ओके, पिछली बार यहाँ पे बहुत अटक अटक के हो रहा था, रिकॉर्ड भी बहुत ही खराब हुआ इसका, मैं ठीक भी नहीं कर सकता उससे अभी, पर हाँ रोकना पड़ा मुझे ये उसके वजह से। अभी मुझे इधर ही जाना है ना, उस बंदे को मार दिया था मैंने। अरे एक मिनट रुकना, यहाँ पे मैंने लगा दिया था, नहीं यहाँ पे नहीं लगाया, तो वो भी करता हूँ अभी मैं। यहाँ पे जो बंदा था उसे तो मार दिया मैंने। पूरा का पूरा ठीक है, नया गेम शुरू किया उसके वजह से पूरा रिस्टार्ट करना पड़ा यार, बहुत अटक अटक के हो रहा था रिकॉर्डिंग और स्ट्रीमिंग। वो तो लकी है, सिर्फ 5 मिनट वैसे हो रहा है रिकॉर्डिंग उतने का था, सिर्फ 5 मिनट का था। टाइम पे एक व्यूअर ने बता दिया, वर्ल्ड एंडर भाई ने, बहुत खराब होता मेरा। और ये खुला क्या उससे लगता है? Reminder: All employees are required to report their hours at the end of each month. The Federal Bureau of Control maintains that time is not subjective, and hours passed on alternative planes cannot be claimed. Astral dives do not accumulate overtime compensation. Thank you for your attention. Reminder: All employees are required to report their hours at the end of each month. The Federal Bureau of Control. ये भी पता नहीं यार, गया हूँ कि नहीं। अन कौन सा नया क्या खुला इससे? यप, यहाँ पे जा चुका हूँ, ये खोल दिया ना मैंने। तो ऊपर ही कुछ हुआ होगा मेरे हिसाब से। गलत वाला बटन दबाया मैंने। डैश कंट्रोल ना, हाँ ठीक है। क्या खुला इससे? वो ये ना, इसका बताता नहीं है कि कौन कौन सा नहीं खोला है, कोई आइडिया ही नहीं है मुझे। अब आगे बढ़ते हैं, मुझे यहाँ पर ही कुछ करना है। एलन वेक की कहानी है ना ये, तो यहाँ पे शायद Dr. Emil Hartman is an academic psychotherapist that owned and operated a recovery center in Wilshire ka naam jo bhi hai. WAF focus on the treatment of artists struggling with creative blocks and other mental disorders. Publicly, Dr. Hartman's treatment center seemed unremarkable in its method and purpose. Privately, however, Dr. Hartman was abusing his patients in order to utilize any latent talent, abilities they may possess with the aim of shaping something to his own benefit, which has earned him a class 2 paracriminal designation. Note: for more on the link between artists and their ability to something reality, to alter reality through artistic medium, see file something. Investigation has proven that Dr. Hartman's illegal endeavors were conducted alone. After being approached by the Bureau during the Alan Wake investigation, he displayed no remorse or intention to cease his actions. Dr. Hartman was taken into custody, evaluated and released some months later, having been deemed a negligible threat. His medical license has been permanently revoked. वो जिंदा कैसे हुआ यार? वो एलन वेक में तो उस वो डार्क एंटिटी ने उसे पकड़ लिया था एकदम। वो जिंदा कैसे रहा पता नहीं। इधर जाना है जहाँ पे वो गया। ठीक है ठीक है ठीक है। पहले देखूँ यहाँ पे तो कुछ नहीं, या फिर इधर नीचे मैं क्या पहले उधर जाके देखूं तो क्या है? ना नहीं जा सकता। यार क्या कर रहा हूं,
इधर कुछ नहीं है। आर्केड मशीन्स। ओ? शूम। शिम। शू। वोम। व्हाटएवर। आई नॉट। प्राउड मैन देखे तो। ओके। ये शायद बाद में करना चाहिए था। मैं एग्जिट कर सकता हूँ। शिट। शिट। ये चेंज करना होगा। कहाँ हैं लोग? ये क्राउड कंट्रोल है पर कोई क्राउड दिख रहा नहीं है। हेल्थ 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 डेफिनेटली चाहिए मुझे। और ऊपर भी एक हेल्थ है। इस बंदे को मारा था ना यहाँ पे पहले। इसका कोई हेल्थ बचा नहीं है। क्या? ओह, ठीक है, जो भी हो, मैं अभी के लिए नहीं करूंगा, ये बाद में करूंगा। अभी नहीं, बाद में करूंगा ये। ओके। ओह शिट। क्या हो गया वो? उम्मीद करता हूँ ये बस उसके अंदर मरने की वजह से है, और कुछ नहीं। अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। Investigations. Jesus, don't scare me like that, Winston. If you're talking right now, I can't hear you. It's a one-way system. Try to find an intercom. Nope. ये restart करना होगा मुझे. Oh यार. यहाँ पर पास में कोई है क्या? Okay, इधर है एक. इसे खोल नहीं सकता। इधर एक है, उस डायरेक्शन में भी एक और है। शिट। एक मिनट रुकना, मैं सही वाला कर रहा हूं ना मिशन। लैंगसन रनवे नहीं, जैसे ये टू फाइंड डिमेंशन एंड स्लाइड प्रोजेक्टर। मैं तो She decides to look into the map after her arriving. Public unsure of what awaits her on the other side. Yeah, yeah, nah. Jesse, Jesse. Dimensional research. Yeah, research nahi hai na, yeh to investigation hai, huh? Langston, it's me, Jesse. I know. I can see you on the monitors. The cameras in there haven't worked since we sealed that sector off a couple years back. Let me guess. You sealed it because of the monster guy. Wait, did you see Dr. Hartman? Jesus, I really wish you hadn't opened that fire break. Okay, listen, you need to find Hartman and kill him before he gets out into the Bureau. That thing is a person? He was a person. We brought him here to study after he was, altered in an AWE. I forget the medical word for what happened, but now light physically hurts him. Do you have a flashlight? No. A lantern? Headlamp? Oh, yeah, flare gun. Oh, Christmas lights. You could wrap them around your... I don't have any of those, Langston. Shit. Okay, well, I'm sure you'll think of something. I'll keep an eye on you from the Panopticon. This is kind of exciting, right? Maybe from where you're standing.
Right, okay. Well, break a leg. Oh, why did I say that? Okay, this Hartman thing can't have gotten very far. Let's go flush him out. Langston was right. This is kind of exciting. It's just nice to have someone to talk to, you know? Ever since I got put in charge of the Panopticon, people treat me different, like I'm crazy for wanting to work with altered items. People just don't understand the altered items like I do, you know? I don't want to brag, but it does take a very empathetic mind to connect with the items. Still, I don't know why people are making it so personal. Right. I mean, the teams in research handle paranatural materials every day, and no one thinks they're weird. Well, maybe that's not true. Darling is famous for being a bit out there, but when he's weird, it's charming. Altered items really aren't that frightening once you get to know them. If you figure out what they like or don't like, you know, what sets them off, then there's nothing to worry about. I guess at the end of the day, we're still just wild animals scared of our own shadows. We're supposed to be on the same team, but sometimes it feels like it's every department for themselves, like it's a race, and we're all trying to be number one. Okay, ye sab chhodo. Maine galat kiya hai yaar. Aao. Okay. Yeah, if it is a race, though, I'd say Darling is a mile ahead of everyone else. He was Trench's golden boy for years, but that relationship has gotten pretty tense, or so I've heard through the grapevine. Not that I spread rumors, just, you know, people talk. Not me, though. I keep my nose to the grind. Too much work to do to focus on those kinds of things. I need to stay focused so I can get my work done and get home to feed Alfred. He's of course, just gonna talk forever. I can't always make it home for mealtime, so I have my neighbor check in on Alfred at 7 o'clock if I'm not back yet. She's very nice. Her name is Maria. She's older. She came to New York in the 50s to attend school and has been here ever since. She has a couple of kids. I met them at Thanksgiving. Big family. Very nice people. Anyway, she has a key to my apartment, and she gives Alfred his dinner if I'm not home. I'm gonna have to buy her a nice fruit arrangement as a thank you after this. I'm missing a lot of Alfred's mealtimes. She's probably gonna have to go to the store for more wet food. I'll have to remember to pay her back. Hold on, let me make a note. Pay back Maria for Alfred's food. Okay. Oh, one more thing. And buy her a fruit arrangement. All right. Are you a cap? You seem like one, though. You'd like Alfred. He's very proper. Really carries himself well, you know? Ye kabhi ban nahi karega kya? My favorite poet. Felt like a good fit. I got Alfred just before Sylvie. छोड़ो यार मुझे पूरा सुनने की सोच रहा था पर कुछ ज्यादा ही बकबक कर रहा है ये बंदा तो. मैं जाके हार्टमैन से लड़ना चाहता हूँ. अब कुछ उतने जल्दी भी नहीं होता तो सुनता मैं पूरा, पर मैं हार्टमैन से सीरियसली लड़ना चाहता हूँ इसलिए नहीं रुक रहा हूँ मैं सुनने के लिए बहुत पूरा उसका. मैं एक्चुअली हार्टमैन ही नहीं है, मैं इसका रिस्टार्ट करना चाहता हूँ जो भी इश्यू है वो ठीक करने के लिए. एबिलिटीज में हेल्थ का कर रहा था. ये पूरा रिस्टार्ट करना होगा मुझे. होपफुली इससे फिक्स हो गया वो जो भी हो रहा था. ये मुझे लगता है सर्च सही नहीं है. लड़ उससे जाके आओ.
डेफिनेटली ज़्यादा अच्छा था, एक बार भी कर दिया इसे कर लगाने के बाद, बाकी सारे इतने समय लग रहे थे करने में। मुझे एक लाइट चाहिए कुछ अभी। लाइट मिलेगा कहां से मुझे? ये रहा ना। खोलो। All right, Ati. Was this what you had in mind? Oh shit. ये फुल हो गया ना। देखे तो यहाँ इसका एक कॉल डाल सकता हूँ ना, एक कॉल रेट ऑफ फायर नहीं, रिलोड स्पीड नहीं, डैमेज वाला और एक्यूरेसी। हाँ यस, वैसे वैरायटी भाई अगर अभी यहाँ पे हो तो ये पर्सोना का कितना बचा आपके हिसाब से? यहाँ पे कुछ है क्या? ना। एक और वो रहा अगर चाहिए तो। उसके सिर पे मारा था। ओके, अब सब मर गए। ओके, यहां पे पहले जाके Shum arcade cabinet. A distance of 10 feet between the items suppresses their effect and only triggers on physical contact. ये अभी जो करेंगे बाद में। एक मिनट, यहाँ पे और क्या है? लग रहा और कुछ तो नहीं है यहाँ पे। ओके, अब एक बैटरी ढूंढना है मतलब हमें। बैटरी से मेरे हिसाब से ये खोल पाऊंगा तो बैटरी मिलेगी कहाँ? वो रहा। बैटरी भी मिल गई तो अब ये बस उधर लगाने का है और उसके बाद आगे बढ़ सकूंगा। जैसे मैंने कहा था
वो लिफ्ट के लिए था और कुछ नहीं। ऊपर से लाता हूँ यार, अपने साथ ही रखना होगा उसे अभी के लिए। कहाँ पर गया वो? वापस यहाँ पे आ गया अपने आप। मैंने छोड़ा था इसे उधर कहीं, अब वापस जहाँ पे पहले था वापस आ गया अपने आप। इसको यहाँ से नहीं ला सकता मैं लगता है, मुझे कोई और ढूंढना होगा यहाँ पे नीचे ही। पहले ली से कंट्रोल पॉइंट है यहाँ पे। चार्ज ये कर दिया, नया वाला कहाँ है? सर्ज नहीं, वेपन मॉड स्लॉट यही है क्या? चार्ज सर्ज, ये सर्ज ही था शायद। हाँ सर्ज ही था, ये मेरे पास नहीं है। अरे यार तीन अलग अलग जगह है रखने के लिए। और अभी कहीं पे रखना नहीं चाहता पता, चला एक बार एक जगह डाल दिया तो फिर और कहीं नहीं कर पाऊंगा मैं। निकाल सकता हूं मैं, सही है। ओके समझ में आ गया, ये लो यहां से। गलती मेरी थी, यहाँ पे डाल दो, पूरा पीछे करो, पूरा पीछे नहीं, इस हिसाब से इतना काफी होना चाहिए। यप ये खुल गया, और अब ऐसे करके इसे इधर तक लाना है। ये सीढ़ियों के पास तक लाना है बेसिकली से। जा जाते रहे जाते रहे। हाँ ये एकदम सही है। से कर सकता हूं क्या इसे? इसे कैसे खोलूं मैं? शिट अब ये निकाल भी नहीं सकता, गलती कर दी शायद मैंने। इसका भी ऊपर से गिरने का है कुछ। अब ऐसे ही डायरेक्ट जा सकता हूं मैं। हार्ट में आ गया, साला क्या करेगा? कुछ भी नहीं।
की जरूरत डेफिनेटली पड़ेगी यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे रखा है। वो दिख रहा है वहां पे हार्ट में। ओह शिट, पहले ही कर दिया। एकदम सामने खड़ा है, मुझे उस तरफ जाना है वहां पे जो है लाइट का। ओ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इसे कहां पे लगाना है? पर ये दिख रहा तो है यहां पे बैटरी, उसे लगाना कहां पे है वो समझ नहीं आ रहा। क्या बन गया है ये बंदा? शिट, हेल्थ कुछ ज्यादा ही कम हो गई यार एक शॉट से ही। लगाने का कहीं पे है ही नहीं यार। अच्छा पीछे कहीं था क्या इसके लगाने का? एक मिनट रुकना, ये ट्राई करता हूं इसे पूरा वापस ले जाने की, पीछे पूरा। मैंने पीछे शायद मिस कर दिया कहीं पे। मैं मानना नहीं चाहता सही में यहाँ पे अभी। अभी नहीं अभी नहीं, इन दोनों को वापस आने दो। गलती करते यहां पे कुछ भी नहीं है। प्लीज मत बोलना कि वो शुरुआत में ही था।
आई मीन जहां पे ये लिया था वहां पर ही था इसको करने का। ये मैं नहीं करूंगा अभी। एकदम सामने खड़ा है ये। एकदम सामने आ गया था वो। ओ ये रहा। जैसे मैंने कहा था जहां से ये लिया था वहां पर ही निकला। ये दीवारों पे भी अब ध्यान देना चाहिए यार मुझे। रास्ता नहीं मिल रहा मतलब कोई एक दीवार को तोड़ने का है। अल थोड़ा और बढ़ाना है यार मुझे। ओ कंट्रोल पॉइंट मिल गया। हेल्थ बढ़ गई पूरी। इसके लिए तीन चाहिए, चार, दो इसके लिए आखिरी वाले के लिए। सब कुछ मिला के 9 पॉइंट्स चाहिए। ओ भाई साहब वो थोड़ा स्केरी था। ओ वहां पे कुछ दिख रहा ऑलरेडी। अगर हो सके तो मैं दूर से मारने की कोशिश करूंगा इस बंदे को। ये ऑरेंज हो रहा नहीं है मतलब अभी नहीं मार सकता मैं। अभी भी नहीं मार सकता मैं। एक मिनट रुकना, कहाँ पे हूं मैं? वो हूं ना। वहां पे कुछ है क्या? Oh yes. अबे ये मेरा हो गया। कोई इश्यू नहीं इसके साथ सिवाय इस बंदे को। ओह शिट। ये नॉन स्टॉप आते जाएंगे मेरे हिसाब से अनलेस मैं ये तोड़ दूं जल्दी। पर उसके लिए मुझे एक टॉर्च चाहिए यार। यहाँ पे कोई टॉर्च ही नहीं है। वो एक्चुअल रास्ता था उधर जाने के लिए। पहले यहाँ पे आना था। Okay, we're gonna try this one more time and then we're done playing with you. Understand? Jello, where are you from? Jumbledore. Up and loose and heavy treat sandwich. Jesus Christ, does anyone have any idea what this thing is saying? Hotly, dirt arrange you. Why are you here? What the hell do you want?
Why'd you stow away on that ship? School bearing, boy. Eyes many cauterizing loops through and about. Wind and Wendy Mitchell. Did he just say Mitchell? Was there a Mitchell at NASA? Toots. You know what? Never mind. I can't do this anymore. Just send this thing to the guys in research. Let them cut it up or whatever they do. You hear that? They're gonna cut you up, you pain in the ass. Spider time. Spider time. यहाँ पे जो बंदा था वो नीचे चले गया क्या? ओके यहां से इसे नहीं मार सकता, पता नहीं उसे लग रही भी है कि नहीं। एक स्नाइपर है उधर, इससे जल्दी से मार दूंगा। और अब इस बंदे को मारो स्नाइपर को। बंदे ने बहुत परेशान किया, पर मैंने उसे मार दिया। मेरे हिसाब से और भी आएंगे यहाँ पे, ये बीच में रुक गया था पर फिर से नहीं कर सकता। मुझे लगा था उनके आने की वजह से रुक गया था पर नहीं, ओ वो रहा उसके वजह से रुका हुआ है। अरे पहले कैसे नहीं देखा मैंने। कहीं पे है या वो रहा, स्नाइपर ने मारा था। जानता था यहाँ पे एक और स्नाइपर था, जैसे मेरी हेल्थ इतनी ज्यादा कम हुई। वेपन मॉड्स फिर से फुल हो गए यार। वरना टू बल की जरूरत नहीं है, तीन और ऊपर वही रखूंगा मैं बस अभी के लिए। इसकी जगह वापस पेन नहीं, शैटर नहीं, एक बार फिर से सर्च ट्राई करते हैं। तो उससे ज्यादा मुझे थोड़ा हेल्थ का देखना है। भाई मैं और कोई हेल्थ का नहीं है क्या? वो
वहाँ पे थोड़ा और है और नीचे थोड़ा और, ठीक है। यहाँ पे बहुत है हेल्थ, मुझे अपने हेल्थ फुल करना है अगले एनकाउंटर से पहले। बस वही मैं इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि एक और एनकाउंटर होगा मेरे हिसाब से, तो दो एनकाउंटर से नहीं होगा। बाबा हार डवाने की आदत है यार मुझे। फिर से हार डवाया मैंने रिलोड के लिए, ये हुई ना बात। ये क्या है? ब्रिज ऑपरेटर। वो तो ऑलरेडी ऊपर मैं पहुंच गया था ब्रिज ऑपरेटर के पास। यहाँ पे लगाना है। हाँ अरे ये रहा, मुझे लगा था कोई कुछ लूट या कुछ मिलेगा, पर कुछ भी नहीं मिला। ना 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 ना, इसके साथ जा रहा हूँ, जरूरत पड़ेगी मुझे लग रहा आगे जाके भी।